Hello students, my name is Sharandeep Kaur and today we are going to start our experiment of chemistry, which aim is to prepare standard solution of oxalic acid. हमने क्या करना है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का क्या मतलब कि हमने कुछ मोलर या उसके जो कंसंट्रेशन लेनी है वो स्टैंडर्ड लेके चलनी है. आज हम जो प्रिपेयर करेंगे वो 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर करेंगे. मतलब क्या है, जो 0.1 मोलर है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है. मतलब कंसंट्रेशन हमने लेनी है कितनी, 0.1 मोलर. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मोलैरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, लेकिन अगर हमने ml में सॉल्यूशन लेना है, अगर हम लीटर्स में ना लें, सॉल्यूशन हम ले ml में, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, पूरी जो मोलैरिटी की टर्म है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाता है. ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला देखना है. ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, COOH twice and 2H2O. ठीक है, COOH twice, 2H2O. ठीक है, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है. तो हमने क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होने चाहिए. ओके, तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो हम लेके चल रहे हैं. हमने 250 ml क्या है बच्चों, सॉल्यूशन बनाना है. 250 ml हमने सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम पता है, मतलब 250 ml. हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लेंगे ये हमने देखने हैं. तो बच्चों क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी भी हमें पता है. मैंने आपको बताया कि 0.1 मोलर हमने सॉल्यूशन बनाना है, तो मोलैरिटी की वैल्यू भी गिवन है, है ना. मतलब क्या है, हमें ये पता करना है कि हम सॉल्यूशन में, या वॉल्यूम हमने कितना लिया, 250 ml, इसमें वॉल्यूम लिया किसका, वाटर का. ठीक है, ये याद रखना, डिस्टिल्ड वाटर में हमने इसको बनाना है. डिस्टिल्ड वाटर लिया, अब हम कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डालें, सॉल्यूट मतलब ऑक्सैलिक एसिड, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के डालें कि हमारे पास 250 ml सॉल्यूशन बन जाए, 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का. ठीक है रजे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे. तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास किसका होगा, गिवन मास सॉल्यूट का, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकालने हैं, गिवन मास सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास. तो हमें पहले क्या निकालना है, उसका मोलर मास निकालना है. अगर हम मोलर मास निकाल लेंगे तो हमें पूरी टर्म में, मोलैरिटी की पूरी टर्म में हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, सिर्फ गिवन मास की. मतलब हम कौन सा मास लें, कितना मास लें कि हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन बन जाए 0.1 मोलर. ठीक है बच्चों, तो हमने अब इसकी वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोलर मास की वैल्यू. कैसे निकालेंगे बच्चों मोलर मास की वैल्यू, देखो हमारे पूरे सॉल्यूशन, पूरे जो फॉर्मूला है ऑक्सैलिक एसिड का, सबसे पहले कार्बन, कितने कार्बन, दो कार्बन. एक कार्बन का मास कितना होता है, 12. तो 2 कार्बन के मास को हम क्या कर देंगे, 2 × 12. ठीक है, देन प्लस क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन इसकी भी क्वांटिटी कितनी है, 2. मतलब 4 ऑक्सीजन हो गए टोटल, 4 ऑक्सीजन यहाँ से एंड 2 ऑक्सीजन यहाँ से आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन. तो क्या आएगा, प्लस 6 × 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16. तो 6 ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, 6 + 16. ठीक है, देन प्लस फिर हमारे पास क्या बच गया, हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन है, मतलब दो हमारे पास, दो यहाँ पे मोल्स हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से एंड 4 हाइड्रोजन
यहाँ से, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? सिक्स। एक हाइड्रोजन का मास वन, सिक्स हाइड्रोजन का सिक्स इंटू वन। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, तो आएगी 126 ग्राम। ठीक है, क्या मतलब कि जो ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, मोलर मास निकाला, कितनी वैल्यू आ गई, 126 ग्राम। ठीक है, आप ये याद रखना। तो अब हमें क्या चाहिए, हम मान लेते हैं इस मास की वैल्यू कितनी है, x, x डिवाइडेड बाई 26 ग्राम। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसके बाद हमने बच्चों क्या करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था, कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ml में लिया था तो हमने 1000 यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलर मास, तो हमने उसकी क्या वैल्यू ली थी, x बाय 126। ठीक है, एंड वॉल्यूम का जो हमने अमाउंट ली थी, कितनी ली थी, 250 ml। इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। एंड हमने बच्चों मोलैरिटी की वैल्यू ली हुई है 0.1। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ये x क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू 0.1 मल्टीप्लाई बाई 126 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 1000। जब हम बच्चों इसकी x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.15 ग्राम। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम x जो है 3.15 ले रहे हैं, मतलब ऑक्सैलिक एसिड जो हमारे पास है उसके इतने ग्राम्स ले रहे हैं, 3.15 ग्राम्स ले रहे हैं। किसमें डालेंगे अब हम इतना वेट, हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर में। क्या लिया हमने, ऑक्सैलिक एसिड कितना लिया, 3.15 ग्राम। ऑक्सैलिक एसिड कितना लिया, 3.15 ग्राम। इसको किसमें डिसॉल्व करेंगे, हम किसमें ऐड करेंगे, वाटर में। कौन से वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में। अगर हम ऐड करेंगे इसकी वैल्यू, तो कितनी लेनी है हमने इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने लेनी है 250 ml। तो 250 ml में हम इतना जब अमाउंट ऐड कर देंगे ऑक्सैलिक एसिड की, तो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का। कितना स्टैंडर्ड, 0.1 मोलर। तो हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं कैसे हम एडिशन करेंगे इसके। अब हमने रजे क्या करना है, ऑक्सैलिक एसिड लेना है। मैंने कितना बताया था आपको, 3.15 है ना, हमने 3.15 कैलकुलेट किया था, तो हम 3.15 ही कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कितने वॉल्यूम वाटर में हमने डालना था बच्चों, हमने 250 ml वाटर में डालना था। ये डिस्टिल्ड वाटर है, मेज़र किया हुआ है 250 ml, तो इसमें हम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड को ऐड कर देंगे। जब बच्चों ये अच्छी तरह से ऐड हो जाएगा, इसको स्टिर करके बच्चों हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया स्टिर करने के बाद, तब क्या है रजे, हमारा जो सॉल्यूशन है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का, वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम था कि हमने ऑक्सैलिक एसिड प्रिपेयर करना था। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसके क्रिस्टल्स क्या हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो गए, जैसे NaCl अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं ना वाटर में, जब ऑक्सैलिक एसिड अच्छी तरह से मिक्स हो गया वाटर में, तब हमारा क्या है, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया ऑक्सैलिक एसिड का। थैंक यू।